हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू साइंस क्लास। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो पार्ट टू में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज वैक्सीनेशन एंड एंटीबायोटिक्स, देन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉमर्शियली यूज for production of alcohol and vinegar. Okay, the alcohol is produced by the process of fermentation. So to understand the process of fermentation, let us perform a simple activity. If we take 500 ml water in a beaker and dissolve in it 3 to 4 spoon sugar. 3 to 4 spoon sugar if we dissolve in this water, and we also add 1/2 spoon yeast powder to this sugar solution. Then we cover this beaker and keep it 3 to 4 hours in a warm place. Agar thoda dhoop hai to hum dhoop mein isko we can place it. After some times, after 3 to 4 hours, what we will observe? We will observe that there is a smell coming out from this beaker. What is that smell? That smell is due to formation of alcohol. So, the sugar is converted now into alcohol due to action of yeast. So, yeast jo hai microorganism, wo kya kar raha hai? Sugar ko alcohol mein convert kar raha hai. This process is called fermentation. The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Okay, so for production of alcohol, yeast is used for the commercial production of alcohol. Now, antibiotics, medicinal use of microorganisms. Antibody, antibiotics, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि antibiotics means bacteria, यानी bacteria के against काम करती हैं. So, the medicines which kill or stop the growth of disease-causing microorganisms, जो disease-causing microorganisms है, उनको मारती है या उनकी growth को stop करने वाली जो medicines होती है, they are called antibiotics. There are some examples of antibiotics, streptomycin, tetracycline and erythromycin. आप doctor के पास कभी जाते हैं तो doctor क्या करता है, कुछ tablets लिख के हमको दे देते हैं, they are antibiotics. और उस एक एंटीबायो वो बोलते हैं कि इनका पूरा कोर्स हमको करना है. एंटीबायोटिक्स को क्या है, जब तक पूरा कोर्स नहीं करेंगे तब तक वो इफेक्टिव नहीं होंगी. सो एंटीबायोटिक्स, वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर. डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए, और जितना उनका कोर्स होता है वो पूरा करना चाहिए. अगर जरूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक लेंगे देन दे में हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या करती हैं, जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी में उनको भी देखें दे में किल, और जब उनकी जरूरत होती है हमारी बॉडी में जब उस समय वो इफेक्ट नहीं करेंगे अगर हम अननेसेसरली एंटीबायोटिक ज्यादा लेंगे तो, और दे में ऑल्सो डैमेज अवर किडनी ऑल्सो. सो एंटीबायोटिक्स वी शुड टेक विद द प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर. ओके, नाउ वैक्सीन. वैक्सीन का नाम सुना होगा, अभी हम बोलते थे कुछ दिनों पहले, नाम सुना होगा आपने, पोलियो ड्रॉप पीना दो बूंद जिंदगी की. तो अगर पोलियो की ड्रॉप हमने बच्चे को पिला दी तो उसमें कभी पोलियो नहीं होगा. तो व्हाट इज वैक्सीन एंड हाउ वैक्सीनेशन वर्क्स? ठीक है, when a disease carrying microbe enter our body, the body produces antibodies to fight the invaders. अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, वो उस माइक्रोब से फाइट करती हैं. ओके, अगर इफ डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी, अगर डेड जो हमें डिजीज नहीं दे सकते, मतलब इतने डेड और वीक माइक्रोब अगर हमारी बॉडी में एंटर करेंगे जिनसे डिजीज नहीं हो सकती, बिकॉज दे आर वीक, दे कैन नॉट कॉज डिजीज इन आवर बॉडी, और तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उनके अगेंस्ट फाइट करेगी और उनको किल कर देगी बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज. अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन आवर बॉडी, और क्या करती हैं, जब दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पावरफुल हैं वो भी जब हमारी बॉडी में एंटर होंगे देन दीज एंटीबॉडीज विल फाइट विद देम विथ फुल enthusiasm, यानी ज़्यादा ताकत के साथ वो उनके साथ लड़ेंगे, और जो ओरिजिनल जो स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे भी हमारी बॉडी को
प्रोटेक्ट करती हैं। इसको हम एक सिंपल इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं। मान लो हमारी सोसाइटी के बाहर एक चौकीदार खड़ा हुआ है, एक आदमी आया और वो चौकी वहां से कुछ उठा के भागने लगा, अकेला ही था वो, तो चौकीदार ने उसको देख लिया। अब वो वहां से चलो उसको जाने दिया, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर पाया वो। अगली बार वही आदमी जब गेट पे पहुंचा, दूसरे दो तीन आदमियों के साथ वो आदमी दोबारा से गेट पे पहुंचा, तो चौकीदार ने उसको देखते ही पहचान लिया और चौकीदार ने क्या किया, पूरी ताकत से उससे लड़के उसको भगा दिया। इसका मतलब चौकीदार को पहले से पता था कि ये आदमी यहाँ चोरी करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो वो पहले से ही उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया, उसको मारने के लिए। उसी तरह से एंटीबॉडीज क्या करती हैं, जब कुछ माइक्रोब्स, वीक माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करवाते हैं तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते, लेकिन हमारी एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं। वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, याद रखती हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है। जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हार्म करने के लिए या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में आते हैं तो वो एंटीबॉडीज यानी वो चौकीदार फिर पूरी ताकत के साथ लड़ता है और हमें डिजीज से बचा लेता है। तो इस तरह से कुछ वैक्सीन काम करती हैं हमारी बॉडी में। तो वैक्सीन कौन कौन सी डिजीज हैं जिनके लिए हम वैक्सीन ले सकते हैं, दे आर कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, दीज आर सम डिजीजेज विच कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन। अगर इनकी वैक्सीन ले ली तो फिर हम ये डिजीज हमको नहीं होगी। नाउ सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स जो हमें हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे कॉज डिजीज इन आवर बॉडी। सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ओके, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स और एनिमल्स दे आर कॉल्ड पैथोजेंस, वेदर दे आर कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स और एनिमल्स। अगर एनिमल में डिजीज कॉज कर रहे हैं देन दे आर कॉल्ड एनिमल पैथोजेंस, और प्लांट्स में कर रहे हैं तो प्लांट पैथोजेंस। ओके, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सारे जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वेदर दे आर कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। नाउ कम्युनिकेबल डिजीजेस, सम डिजीजेस कम्युनिकेबल मीन्स विच कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। सपोज एक इन्फेक्टेड दिस इज हेल्दी पर्सन एंड दिस इज इन्फेक्टेड पर्सन, ये इन्फेक्टेड है भाई साहब और ये हेल्दी है। ओके, नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, इसमें माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब्स किसी हेल्दी पर्सन तक किस तरह से पहुंचते हैं, अगर ये स्प्रेड हो सकते हैं किसी मींस के थ्रू देन दिस टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये किस किस के थ्रू हो सकते हैं, या तो ये एयर से माइक्रोब हेल्दी पर्सन तक पहुंच सकते हैं, फूड के थ्रू पहुंच सकते हैं, देन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू पहुंच सकते हैं, और वाटर के थ्रू पहुंच सकते हैं। सो दीज आर सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स एयर, फूड, कॉन्टेक्ट, वाटर, दीज आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा कुछ वेक्टर्स भी होते हैं, मतलब जो डिजीज को कैरी करने वाले इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको बोलते हैं डिजीज कैरिंग एनिमल्स या इंसेक्ट्स, दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो समटाइम्स वेक्टर ऑल्सो कम्युनिकेट द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। So, microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact, these are called communicable diseases which can be communicated from a infected person to healthy person. Example, cholera, common cold, chicken pox, tuberculosis, these are some diseases which are communicable from infected person to healthy person via air, water, food or physical contact. Now, carriers of disease-causing microbes, which we also know as vectors. वो क्या करते हैं? Insects और animals, they act as carrier of disease-causing microbes. यानी ये disease-causing microbes को infected person से healthy person तक ले जाने का काम करते हैं. These are housefly. Housefly क्या करती हैं? वो किसी गंदी चीज पे बैठती हैं, वहाँ से microbe को लेके फिर healthy person तक पहुँच जाती हैं. हमारे food पे पहुँचती हैं. जब हम उसको खाते हैं, तो हम भी infected हो सकते हैं. Female Anopheles mosquito. ये क्या करता है? जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को ये काटता है और फिर ये जो प्लाज्मोडियम है इसको ट्रांसफर कर देता है किसमें, किसी नॉर्मल पर्सन में या हेल्दी पर्सन में, तो उसमें भी मलेरिया होने के चांसेज हो जाते हैं. तो ये प्लाज्मोडियम किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? मलेरिया. फीमेल एडीज मॉस्किटो, दिस इज वेक्टर ऑफ डेंगू वायरस. ये डेंगू वायरस को एक दूसरे से फैलाने का काम करता है. नाउ देयर आर सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस caused by microorganism. First column human disease, then causative microorganism क्या, whether bacteria, virus, fungi or any other mode of transmission क्या है, किसके through ये
एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती हैं और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एयर, एयर के थ्रू इसके जो बैक्टीरिया हैं वो थ्रू एयर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। मीजल्स दे आर कॉज ड्यू टू वायरस, और ये भी एयर से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। चिकन पॉक्स कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस एंड इट ऑल्सो स्प्रेड थ्रू एयर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दीज डिजीजेस, क्योंकि ये सब क्या होती है बाई एयर फैलती हैं या कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, आइसोलेशन, कंप्लीट आइसोलेशन में रखने से। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कंप्लीट आइसोलेशन में रखेंगे तो वो दूसरे लोगों में वो डिजीज स्प्रेड नहीं होगी और उसकी जो चीज़ें हैं उनको काम में नहीं लेना। नेक्स्ट है कोलेरा, दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ये भी वाटर और फूड से क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, और इसके लिए क्या करना, हमको मेंटेन पर्सनल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स, अच्छी गुड सैनिटरी हैबिट्स को अगर हम अप्लाई करेंगे लाइफ में देन वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिजीज। टाइफॉइड, दिस इज ऑल्सो स्प्रेड और कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया, दिस इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर, सो वी शुड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और फ्रेश वाटर और अच्छा पानी पीना है। और दूसरा इसका तरीका है वैक्सीनेशन से वी कैन प्रिवेंट दीज डिजीजेस। हेपेटाइटिस से कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस एंड ये किसके थ्रू फैलता है, ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर, तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन से वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिजीज। मलेरिया, ये एक प्रोटोजोवा होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, और ये किसके थ्रू फैलता है, मस्कीटो इसका कैरियर होता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कौन ले जाता है, मस्कीटो। सो मस्कीटो नेट यूज करना है, दूसरे स्प्रे यूज करना है और मस्कीटो की ब्रीडिंग है उसको रोक देना है, मस्कीटो नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से ये फैलता है। तो उसको अगर हम मस्कीटो से अपने आप को बचा लिया तो इस डिजीज से भी वी कैन प्रिवेंट अवर सेल्फ। नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉज डिजीज इन एनिमल्स। एंथ्रेक्स इज वन डिजीज विच इज वेरी डेंजरियस इन ह्यूमन एज वेल एज इन कैटल, आदमी में भी हो सकती है और ये कैटल में भी हो सकती है। इसका जो कॉज है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज बैक्टीरिया। सो इसमें क्या होता है, जनरली स्किन पे क्या होते हैं, अल्सर होना शुरू होते हैं और उसके बाद कभी कभी क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिफेक्ट होना शुरू हो जाता है। सो ये जनरली किस में होती है, एनिमल्स में होती है, अगर हम उनके कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ह्यूमन बींग्स में भी ये स्प्रेड हो जाती है थ्रू एनिमल्स। सेकेंड अ फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, ये किसके थ्रू होती है, ये किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से, बिकॉज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस डिजीज इज फूट एंड माउथ इज वायरस। नाउ सम डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल सिट्रस कैंकर, दिस इज अ डिजीज इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड जनरली इट इज फाउंड इन लेमन। लेमन में आपने यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, जो लेमन होता है उसकी जो सरफेस, जो स्किन होती है उस पर कभी कभी ब्राउन ब्राउन कलर के या ब्लैकिश ब्राउन स्पॉट्स से बन जाते हैं, ठीक है, दीज आर ड्यू टू दिस डिजीज सिट्रस कैंकर, उसमें क्या होता है उस पर स्पॉट बन जाते हैं, लेकिन ये कोई उसके जूस पे कोई असर नहीं पड़ता इस तरह के स्पॉट होने से या ये डिजीज होने से, लेकिन वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो कॉमर्शियल जो वैल्यू है लेमन की वो कम हो जाती है, उसमें उसके जूस पे या उसके प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, बट कॉमर्शियल वैल्यू है वो कम हो जाती है क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता। ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है थ्रू एयर। रस्ट ऑफ व्हीट, दिस इज वेरी डेंजरियस डिजीज इन व्हीट, ये प्रोडक्शन को बहुत ही कम कर देती है, अगर व्हीट में ये डिजीज हो गई तो जो व्हीट के ग्रेन बनते हैं उसकी फली के अंदर, तो उस ग्रेन की जगह क्या हो जाता है, ब्लैक पाउडर बन जाता है, उस ग्रेन का ब्लैक पाउडर होता है, तो जब भी व्हीट को अगर हम उसको क्या करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, तो ग्रेन की जगह क्या निकलेगा, ब्लैक पाउडर निकलेगा। सो दिस डिजीज रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ऑन ए लार्ज स्केल और दिस इज कॉज ड्यू टू फंजाई, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एयर एंड सीड्स। नेक्स्ट डिजीज विच इज फाउंड इन प्लांट्स, दैट इज येल्लो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, लेडीज फिंगर में जो लीव्स होती हैं उनमें जो वेन्स होती हैं वो येल्लो कलर की हो जाती हैं, दिस इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस, और इसका जो ट्रांसमिशन होता है दैट इज ड्यू टू इंसेक्ट, मीन्स इंसेक्ट्स जो होते हैं वो वायरस को कैरी करते हैं वन प्लांट टू अदर प्लांट। सो दीज आर सम डिजीजेज विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ फूड पॉइजनिंग, नाउ नेक्स्ट जो इफेक्ट है, बैड इफेक्ट और हार्मफुल इफेक्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर किसी फूड को स्पॉइल कर देते हैं और उस फूड को हम कंज्यूम करेंगे, दैट इट मे कॉज फूड पॉइजनिंग इन अवर बॉडी। ओके,
और फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है, जो स्पॉइल्ड फूड है उसको लेने से हम सीरियस इलनेस की तरफ भी जा सकते हैं और कभी कभी क्या फूड पॉइजनिंग से डेथ तक भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खाने को अच्छी तरह से प्रिजर्व करें। प्रिजर्व करने के क्यों जरूरत है, प्रिजर्व करने की टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं। तो स्पॉइलिंग से बचने के लिए फूड को अच्छी तरह से प्रिजर्व करना जरूरी है। तो व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन, द प्रोसेस बाई विच स्पॉइलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड यूजिंग केमिकल और फिजिकल मेथड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। सो देर आर टू डिफरेंट मेथड्स, वन इज केमिकल एंड सेकेंड इज फिजिकल मेथड। सो इनसे क्या होता है, स्पॉइल होने से बचाते हैं फूड को, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। दीज आर सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फर्स्ट वन केमिकल मेथड। वाट इज केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या होता है, जनरली सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, दीज आर यूज फॉर द टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो पिकल होता है, पिकल को हम किस में डाल के रखते हैं, सॉल्ट और ऑयल है, एडिबल ऑयल है, उसके सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप नहीं होंगे। सो दीज आर कॉल्ड सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल, दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। ओके, देर आर सम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट द नेम ऑफ सम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर सोडियम बेंजोइट, वन इज सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट एंड सोडियम मेटा बाई सल्फाइट, सोडियम मेटा बाई सल्फाइट, सोडियम मेटा बाई सल्फाइट, दीज आर टू केमिकल प्रिजर्वेटिव्स विच आर जनरली यूज, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाई सल्फाइट, SULPHITE, दीज आर सम कॉमन प्रिजर्वेटिव्स विच आर यूज। किसमें यूज होते हैं, जैसे जैम है, स्क्वेसेस है, इन सब में ये यूज होते हैं। नाउ सेकेंड, प्रिजर्वेशन बाई कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो होता है ये बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है, जो किसको प्रिजर्व करने के काम में आता है, मीट, फिश, इनको प्रिजर्व करने के लिए उनको ड्राई सॉल्ट से कवर कर देते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ रुक जाती है, और दूसरे जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे आमला, देन मैंगोज, टेमरीन, मैंगो, इनको प्रिवेंट करने के लिए भी, प्रिजर्व करने के लिए भी कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं। तो मीट, फिश, आमला, मैंगो, दिस कैन बी प्रिवेंटेड यूजिंग कॉमन सॉल्ट, ठीक है। थर्ड वन, प्रिजर्वेशन बाय सुगर। हाउ सुगर इज यूज टू प्रिवेंट और प्रिजर्व द फूड आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल जैम, किस किस को करते हैं, जैम्स है, जेलीज, मुरब्बा आपने सुना होगा, स्क्वेसेस, दीज आर प्रिजर्व यूजिंग सुगर सॉल्यूशन, उनको सुगर के सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं तो वो उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाई ऑयल एंड विनेगर, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। ऑयल और विनेगर क्या करते हैं, पिकल्स को स्पॉइल होने से बचाते हैं, पिकल्स, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑयल और विनेगर के एनवायरमेंट में दे कैन नॉट ग्रो, ठीक है। स्टोरेज एंड पैकिंग, नेक्स्ट जो मेथड है प्रिजर्वेशन का, दैट इज स्टोरेज एंड पैकिंग, अच्छी तरह से स्टोर करना प्रॉपर कंडीशन में, जहां पर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो पाए, और फूड को अच्छी तरह से पैक करना। तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, स्टोरेज एंड पैकिंग। नेक्स्ट वन है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, पहले जैसे मिल्क के लिए खासतौर से करते हैं पाश्चराइजेशन में, पहले बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट देते हैं और फिर अचानक से उसको क्या करते हैं, कोल्ड कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या होगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दे दिस प्रोसेस किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, दिस इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पाश्चराइजेशन, वाट इज पाश्चराइजेशन, इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं, मिल्क को 700 डिग्री सेल्सियस तक पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं 15 to 30 seconds ओनली, और फिर अचानक से एकदम से क्विकली, दैट इज सडनली चिल्ड, एकदम से उसको ठंडा करते हैं और फिर उसको स्टोर कर दें। इस प्रोसेस से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी ग्रोथ से प्रिवेंट कर सकते हैं हम, किसको, मिल्क को। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुईस पाश्चर, सो दिस इज कॉल्ड पाश्चराइजेशन।
सो द प्रोसेस ऑफ पाश्चराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स और प्रिवेंट प्रिजर्व द मिल्क. तो मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए पाश्चराइजेशन इज द बेस्ट मेथड. सो नाउ टूडेज क्लास दिस मच. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल. वन टॉपिक इज लेफ्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल.